हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीमेल का यूज़ करने का कंप्लीट प्रोसेस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से जीमेल विदाउट इंटरनेट यानी ऑफलाइन जीमेल कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए नए नए कॉन्टेंट्स और वीडियोस लाते रहते हैं, उसकी जानकारी सीधा आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी जीमेल ऑफलाइन चलेगी या नहीं चलेगी, इसको देखने के लिए सबसे पहले हम अपना इंटरनेट जो है उसको ऑफ कर देंगे। उसके बाद में ऑफ करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे ईमेल एक्सेस यानी ओपन नहीं हो पा रहा है, तो सिंपल से हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए हमको सिंपल से जो है इसकी सेटिंग्स में जाकर और इसको ऑफलाइन ऑप्शन का जो है उसे एक्टिवेट करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इंटरनेट कनेक्ट करते हैं और अपनी ईमेल पर जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो है एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग्स का। इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर सी ऑल सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते ही हमारे सामने बहुत सारी सेटिंग्स खुलकर आ जाएंगी। यहाँ पर हमको एक ऑफलाइन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, हमको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफलाइन इनेबल ऑफलाइन मेल्स, यानी हमको इस पर चेक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है सेंस सेटिंग्स, यानी इस पर हमको 90 दिनों के लिए सेलेक्ट कर देना है। ये लिखा हुआ है आफ्टर लॉग आउट ऑफ माय गूगल अकाउंट, यानी हमको इस वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है और सेव चेंजेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में हमारे सामने ये देखिए लिख के आ गया है ऑफलाइन नॉट रिकमेंडेड फॉर शेयर्स डिवाइस, यानी आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे जो चेंजेस किया है उसके बारे में अब देखेंगे हम। यहाँ अब जो है हमारी ईमेल आईडी ओपन हो रही है, इंटरनेट को ऑफ कर दिया। अब यहाँ हमारी जो है एक्सेस कर रहे हैं, यानी इसमें यह है कि आप अपनी जो मेल्स आपकी पहले से ही मौजूद हैं उस पर आप यहाँ से मैसेज सेंड कर सकते हैं। अगर आपको एक नई से भेजना है, नई मेल भेजना है, तो नई मेल के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत है, यानी कि यहाँ पर आप अगर नई मेल भेजते हैं या रिसीव करते हैं उसके लिए आप जो है इंटरनेट की आपको आवश्यकता है। अन्यथा आपके पास जो मेल पहले से ही मौजूद होती हैं उस पर आपको सेंड करना है, तो सिंपल से उस पर क्लिक कर आप यहां से भेज सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।